परिचय करना जी, मैं डॉक्टर आदित्य सिसोदिया हूँ, विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज में भी पदस्थ हूँ। सर बताएंगे सर, जो आजकल देखा जाता है महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर, फ्री कैंसर क्या है, कैसे होता है? गर्भाशय का कैंसर सामान्यतया हिंदुस्तान में महिलाओं को होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर है। सबसे ज़्यादा महिलाएं इस कैंसर से प्रभावित होती हैं, जिसमें कि मृत्यु, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यह कैंसर पूरी तरह से प्रिवेंटिव है, मतलब जिसको हम रोका जा सकता है। इसके लिए यह मोस्टली एक वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके कारण से ये कैंसर होता है। सर बताएंगे सर, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, अक्सर महिला अस्पताल पहुंचने लेट कर देती हैं? जी, सामान्यतया यह कैंसर 30 से 40 वर्ष की महिलाओं में सामान्यतया देखा जाता है। इसमें जो मुख्य लक्षण होते हैं वह नीचे से सफ़ेद पानी जाना, इररेगुलर महीना आना, और पेट में अचानक से बहुत दर्द होना, पेशाब में दिक्कत होना, यह इसके विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण सफ़ेद पानी का जाना होता है। बताएंगे इसके बचाव क्या क्या है, कैसे बचें? जी, इसका बचाव तो जन्म से ही चालू हो जाता है। अगर हम आजकल देखें कि अभी 2024 के अंतरिम बजट में भारत सरकार ने गर्भाशय के कैंसर के प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन होता है उसको फ्री में उपलब्ध करवाया है, तो वह हमारे पास में शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा। तो वो अपन को तब लगवाना चाहिए जब बच्ची का महीना नहीं आया है, तब उसको लगवाना चाहिए। और यह वैक्सीन दोनों को लगवाना है, इस बच्ची को भी लगवाना है एवं हमारे बच्चों को भी लगवाना है। दूसरी चीज, और इससे प्रिवेंशन के लिए ऐसा है कि हमको हर साल, जब हम कोई भी महिला सेक्सुअली एक्टिव हो गई है उसके बाद में उसको साल में एक बार अपना पैप्समियर टेस्ट, एक होता है पैप्समियर करके एक जाँच होती है जिसमें नीचे से सफ़ेद पानी की जाँच ली जाती है, उसको साल में एक बार हमको करवाना ही चाहिए, जो कि फ्री में हमारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। और हर गुरुवार को कैंसर डिटेक्शन क्लिनिक हमारे यहाँ पे संचालित है, जिसमें कि हम लोग पैप्समियर का टेस्ट कर रहे हैं। सर बात करें वर्तमान में, सर अपने यहाँ कितने डिटेक्ट किए गए कैंसर? जी, अभी पिछले वर्ष हमारे यहाँ पे 24, जो 2023 था उसमें 24 केस डिटेक्ट हुए थे। और सबसे दुख की बात यह है कि ये हमारे पास में बहुत लेट स्टेज में पहुँचते हैं, मतलब स्टेज 3 स्टेज 4 में। और यह कैंसर के साथ में सबसे दिक्कत यह है कि हाँ, यह हमारे यहाँ द्वारा, हमारे समाज द्वारा की गई लापरवाही के कारण यह इतना लेट होता है। अगर हम इसको हर साल कम से कम एक बार भी अपना पैप्समियर का टेस्ट करवा लें हमारे महिलाएं, तो यह पूर्ण रूप से प्रिवेंट किया जा सकता है। सर